हे गाइस वेलकम यू ऑल। तो आज की वीडियो हमारी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर है, जहां पे कि हम बजाज फाइनेंस का एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यहां पे बैक टेस्ट करेंगे और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। यहां पे लगभग 17 लाख के आसपास आपको पिछले 5 सालों में रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं। तो रिटर्न्स के पहले हम स्ट्रेटजी समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी क्या है उसके बाद मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप भी चाहे तो बैक टेस्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बैक टेस्टिंग आपकी रहेगी। तो स्ट्रेटजी क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने 9:15 to 9:30 मतलब कि फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट के बारे में सुना ही होगा लगभग, जिसे कि ओआरबी बोलते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं है, इसके अंदर हम सेकंड कैंडल मतलब कि 9:30 to 9:45। अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है आपका 9:20, यहाँ पे एक मिनट क्रॉस है आपका, ओके यहाँ पे देखिए 9:15 कैंडल ये है और नेक्स्ट कैंडल है आपकी 9:30, मतलब 15 मिनट की सेकंड कैंडल के हाई और लो के ऊपर की ये स्ट्रेटजी है। तो इस स्ट्रेटजी का असल में बेनिफिट क्या रहता है, इसके अंदर आपके स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं और प्रॉफिट आपको बड़ा मिलता है। मतलब कि जब भी आपका लॉस होगा तो वो छोटा होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो काफी बड़ा यहाँ पे होता है। लेकिन जब आप रेंज जो है अपनी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है कि बेशक आपको सेम मिले दोनों स्ट्रेटजीज में, वो आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं 9:15 to 9:30 का भी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9:30 to 9:45 ब्रेकआउट के बारे में। तो जैसे कि लास्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं 20th को क्या हुआ है, आपकी सेकंड जो कैंडल है उसका पहले देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसका हाई ब्रेक किया है। उसके बाद आप देखेंगे लगभग की जो आपकी 10:15 वाली कैंडल है इसने इसका लो ब्रेक किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपने जो बाय किया था उसका SL यहाँ पे हिट होगा और यहाँ पे आपकी एक सेकंड सेल की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगी और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कितना नीचे यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हम प्रैक्टिस करेंगे 9:30 to 9:45 मतलब कि सेकंड कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर आपके मैक्सिमम 4 ट्रेड्स रख के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में आप स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखिए हमारा एक वेबसाइट आती है, सिंपल आप रोबोमैटिक सर्च कर सकते हैं। रोमैटिक सर्च करेंगे तो पहला आपको देखिए रोमैटिक करके आपको मिलेगा ये, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन वगैरह पूछेगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट कर लीजिएगा। क्रिएट फ्री अकाउंट करने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा, उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालिए और यहाँ पे लॉगिन कीजिए। सिंपली लॉगिन आपका हो गया। बैक टेस्टिंग आपको करनी है तो बैक टेस्टिंग यहाँ पे देखिए आप ऊपर फ्री है टोटली, कितनी बैक टेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और स्ट्रेटजीज के ऊपर आप जाएंगे, स्ट्रेटजीज के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये स्ट्रेटजी हमारी किसके ऊपर है, इक्विटीज के ऊपर है। तो इक्विटीज के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे NSE, तो NSE हम सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बजाज फाइनेंस, तो BAJAJF, ओके बजाज फाइनेंस मिल गया आपको। बजाज स्पेस F आप डालेंगे तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों मिल जाएंगे। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर आपकी ये स्ट्रेटजी है। बजाज फाइनेंस का एक लॉट जो होता है वो होता है 125 क्वांटिटी का, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कैपिटल है। अब देखिए 125 क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप बजाज फाइनेंस देखेंगे अभी, तो बजाज फाइनेंस का प्राइस चल रहा है लगभग 5800, तो आप 6000 के आसपास लगा के चलिए। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 6000 × 125 = 5, क्योंकि 5x का लीवरेज मिलता है आपको, तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपको लगेंगे इसको ट्रेड करने के लिए 125 क्वांटिटी। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर आप इसको 125 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप इसे फ्यूचर्स में ट्रेड करिएगा, इक्विटी में नहीं, क्योंकि आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं STT वो आपके फ्यूचर्स के अंदर 50% होते हैं इक्विटी के। मतलब कि अगर इक्विटी में आपको 400 रुपए चार्ज लग रहे हैं तो फ्यूचर्स में आपको वो 200 रुपए ही चार्ज आपका लगेगा। इक्विटी में स्लिपेज आपकी ज्यादा आएगी, फ्यूचर्स में स्लिपेज आपकी कम आएंगी। तो अगर आप 125 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसमें एक लॉट पे ट्रेड करिएगा। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपली NFO फ्यूचर सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर बजाज फाइनेंस का करंट फ्यूचर आपको सर्च करना है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेनी है। उसके बाद हम चलेंगे नीचे, यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। MIs रहेगा, ये भी सिंपल कैंडलस्टिक्स रहेगी। स्टार्ट ट्रेड आफ्टर 9:16 रहेगा, यहाँ पे 15:15 ही, यहाँ पे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैक्स ट्रेड साइकिल में आप 4 कर दीजिए। वैसे 4 ट्रेड हमेशा आते नहीं है, लेकिन ये बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि जो कैंडल है ना बहुत छोटी बन जाती है। इस तरह की कैंडल आपकी अभी सपोज कीजिए, इस तरह की कैंडल कभी बन गई तो यहाँ पे आपके 4 ट्रेड हो सकता है आपके
आ जाए और किसी चौथे ट्रेड में अगर मार्केट निकल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे जाता है। उसके बाद आप नीचे चलिए, बाकी आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं, आप अभी सीख लीजिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, उसके बाद आप खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो अब नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद देखिए आप इंडिकेटर बेस लिखा हुआ एक्शन के अंदर, इस पे क्लिक करके आप प्राइस एक्शन कर दीजिए। प्राइस एक्शन करने के बाद यहाँ पे अगर आप लाइव ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको करना है मार्केट एसएल, जिससे कि आपका स्लिपेज कम आए। बैकटेस्ट कर रहे हैं तब भी मार्केट एसएल रखिए ताकि आपकी आदत बनी रहे, जब भी आप इक्विटीज में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो मार्केट एसएल ही आपको यूज करना है। कोई और ऑर्डर्स करेंगे तो आपको स्लिपेज बहुत ज्यादा यहाँ पे आएगा, मार्केट एसएल करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एलटीपी मतलब की लास्ट ट्रेडेड प्राइस ओके करिए, यहाँ पे डालिए क्रॉसेस अबव और यहाँ पे डालेंगे आप टीआरबीओ। टीआरबीओ का मतलब है यहाँ पे टाइम रेंज ब्रेकआउट। तो टाइम रेंज का मतलब है कि आप कोई भी टाइम रेंज डाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज क्या होती है, टाइम रेंज 9:15 टू 9:30, सेकंड की क्या होगी 9:30 टू 9:45। तो यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम डालेंगे वो डालेंगे 9:30 और 2 में डालेंगे 9:45। बफर 0.1 है तो यहाँ पे 0.01 कर दीजिए मिनिमम, और मिनिमम रेंज भी 0.01 कर दीजिए, मैक्सिमम रेंज 5 रहने दीजिए। बफर क्या है, बफर तो आपको पता ही है कि सपोज कीजिए कैंडल का हाई आपका 5700 है और आपने कुछ परसेंटेज का बफर लेना है उसमें, तो 5701 रुपए, 5705 रुपए इस तरह से आपका ट्रेड यहाँ पे होगा, मतलब कि बफर लगेगा आपका। मिनिमम रेंज आपका क्या रहेगा उसके बाद, मिनिमम रेंज का मतलब कि 0.01% से अगर कैंडल छोटी होती है तो आपका ट्रेड वहां पे नहीं होगा। मतलब कि सपोज कीजिए आपका जो बजाज फाइनेंस है इसकी जो कैंडल है अभी आपका प्राइस चल रहा है 5847, अब 5847 का अगर मैं यहाँ पे निकालू 5847 इंटू 0.1 रख लेते हैं इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे देखिए 5 रुपीज। अगर आप 0.1% रखते हैं मिनिमम रेंज तो मतलब 5 रुपए से छोटी कैंडल अगर बनी तो आपका कोई भी ट्रेड उस पर नहीं होगा, तो इसके लिए मिनिमम रेंज आता है। तो हमने 0.01 रख दिया ताकि मिनिमम से मिनिमम रेंज भी बने तब भी आपका ट्रेड यहाँ पे हो जाए। मैक्सिमम रेंज में 5 रहेगा, रिस्क पर ट्रेड 0 रहेगा। यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड आप चाहे तो फिलअप करके देख सकते हैं, ये सिर्फ इक्विटीज में काम करता है, तो पर ट्रेड का रिस्क आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। कैंडल मल्टीप्लाई बाय रेंज, तो यहाँ पे हम इसको 0 रखेंगे क्योंकि हम कैंडल का टारगेट यहाँ पे नहीं रखेंगे। और लाइव ट्रेडिंग के लिए प्रीपंच ऑर्डर जरूर करिएगा, नहीं तो आपकी स्लिपेज यहाँ पे बहुत ज्यादा लगने वाली है, इसको याद रखिएगा, ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ओके करिए, ओके करेंगे आप तो आपके पास ये देखिए स्ट्रेटजी आपकी क्रिएट हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस ओपन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम इसका बजाज फाइनेंस, इसे आप क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे बैकटेस्ट करते हैं, यहाँ पे बैकटेस्ट पे क्लिक करेंगे। बैकटेस्ट करने के बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे बैकटेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं सबसे पहले 2022 और 23, यहाँ पे हम पूरे एक साल का बैकटेस्ट देख लेते हैं, लेटेस्ट जो पिछला साल गया है उसका बैकटेस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 270,000 का आपको प्रॉफिट मिला है, आपका 54% की एक्यूरेसी है, 453 ट्रेड्स हैं आपके, मतलब कि लगभग दुगने ट्रेड्स हैं, एक दिन में 2 ट्रेड हैं आपके, और 40% आपकी विनिंग ट्रेड्स की एक्यूरेसी है और लॉस ट्रेड्स की 60% है, स्ट्रिक्स आपके विनिंग 8 हैं, लॉस 10 है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 41,000 का है, मैक्सिमम लॉस आपका एक दिन में 30,000 का है, और आपका एवरेज पर डे प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं 8,500 का एवरेज पर डे प्रॉफिट है और 7.6K का एवरेज पर डे लॉस है, मतलब कि 1:1.1 की लगभग ये स्ट्रेटजी आपकी है। ड्रॉडाउन अगर आप देखेंगे तो ये आपकी कैपिटल का ड्रॉडाउन है, ये मैक्स ड्रॉडाउन नहीं है, मतलब कुमुलेटिव ड्रॉडाउन नहीं है, ये आपका कैपिटल ड्रॉडाउन है। तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे 11,000 का ड्रॉडाउन आपको देखने के लिए मिला इसके अंदर। तो ये तो हो गई आपकी एक साल की बात। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, यहाँ पे 2021 से 23 देख लेते हैं, मतलब कि 2 साल। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 6 लाख का प्रॉफिट है, ट्रेड्स आपके लगभग दुगने हैं, मतलब कि सॉरी ये 2 साल का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे तो इस साल में लगभग 2,70,000 और यहाँ पे 3,32,000। अब एक ईयर हम और देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपका कोरोना ईयर था 2020, और यहाँ पे आप रन बैक टेस्ट करिए और उसके बाद हम सीधे 5 साल का यहाँ पे देख लेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगभग 12 लाख का प्रॉफिट आपको हो गया है, जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी 57% है,
मैक्स लॉस 35,000 का है, मैक्स प्रॉफिट 55,000 का है। बाकी यहाँ पे अगर आप विनिंग रेशियो मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ गया है। सो यहाँ पे देखेंगे आप तो 6,80,000 मतलब कि 7 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो मार्च के अंदर ही लगभग 1,10,000 का आपको प्रॉफिट है। उसके बाद आप मई में देखेंगे तो भी 1 लाख है, जून में भी, जुलाई में भी, इन 3 महीनों में आपका लगभग 1 लाख का प्रॉफिट है। और एक कोरोना के मंथ में आपका 1,10,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी अच्छी चली है बजाज फाइनेंस की स्ट्रेटजी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको 5 साल का बैकटेस्ट भी एक साथ कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसका एक साथ आपका 2018 से बैकटेस्ट कर लेता हूं। आप चाहे तो इसके अंदर टाइम फ्रेम्स वगैरह चेंज करके, जैसे कि 9:30 to 9:45 है तो आप 9:15 to 9:30, 9:15 to 9:20, यहां तक कि 9:15 to 9:16, या फिर 3 PM, 2:20 PM, जो भी आपकी फेवरेट स्ट्रेटजी, या फिर किसी यूट्यूबर ने अगर डाल रखी है कोई स्ट्रेटजी तो आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर, किसी भी इंडेक्स के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाना मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपके मन में कोई स्ट्रेटजी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे बैकटेस्ट आपके लिए कर दूंगा। सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं नीचे, लगभग 17,80,000 मतलब कि 18 लाख के आसपास का रिटर्न है आपके पास। और यहाँ पे देखिए 2018 में 2,24,000, 2019 में 2,72,000, 2020 में 6,86,000, 2021 में 3,32,000 एंड 2022 में 2,70,000। तो ये सारा का सारा 125 क्वांटिटी के साथ है। आप नीचे चाहे तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं 125 क्वांटिटी के साथ। और मैं आपको इसका लेटेस्ट एक बार दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम और यहाँ पे 2022 हमारा चल रहा है, लेटेस्ट देख लेते हैं 30th दिसंबर 2022। तो 30th दिसंबर को देख लेते हैं एक बार, 30th दिसंबर। सो यहाँ पे देखिए 30th दिसंबर है आपका। 15 मिनट की कैंडल कौन सी है मैं मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपकी ये वाली कैंडल है, ये हो गई, और इसको यहां तक ले चलते हैं और एक ये हो गई। इसका हाई देखेंगे आप कितना है, सबसे पहले लो क्रॉस हुआ है, लो देख लेते हैं कितना है इसके अंदर। हम लो है हमारे पास 6620, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ है, सेल कितने पे हुआ है, 6619 मतलब कि 1 रुपए नीचे, जो कि हमारा बफर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद आपका बाय हुआ है 6684 पे, मतलब कि जो आपका हाई प्राइस है इसका। तो हाई कितना है इस कैंडल का, वो है आपका 6684.55, और आपका बाय कितने पे हुआ है, 6684.61। तो ये बफर की वजह से आपका थोड़ा सा पॉइंट्स में जा रहा है। तो ये रहेगा आपका, ये बैकटेस्ट के अंदर आपका बेशक पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन जब रियल में आप करेंगे तो 2 से 3 रुपए या 4 से 5 रुपए हो सकता है आपकी स्लिपेज यहाँ पे आए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितना भी प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसमें से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ब्रोकरेज कितना कटेगा पहले वो देख लेते हैं एक बार। ब्रोकरेज देखिए, अगर आप फिनवेशिया वगैरह यूज करते हैं तो ब्रोकरेज तो फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जीरोदा हैं या फिर एंजल या फिर एलिस या फिर कोई और ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो वहां पे देखिए आपका, यहाँ पे सपोज कीजिए आपने 125 क्वांटिटी सॉरी कितना प्राइस चल रहा है, लगभग 6000 चल रहा है। तो सपोज कीजिए 6000 पे बाय किया आपने, 6000 पे सेल किया और क्वांटिटी आपने करी 125, तो आपका जो ब्रोकरेज लगने वाला है वो लगने वाला है 321 रुपीज पर ट्रेड। तो आपके टोटल ट्रेड्स कितने हैं, पूरे 5 सालों में आपके टोटल ट्रेड्स हैं लगभग, देख लेते हैं ऊपर एक बार, यहाँ पे देखेंगे तो 2267। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको 2267 इंटू 350 लगा लेते हैं मोटा मोटा, तो लगभग 7,93,000 का आपका ये ब्रोकरेज एंड टैक्सेस दोनों मिला के लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं कि जितना आपको मिल रहा है 18 लाख, उसमें से लगभग 8 लाख तो आपका निकल गया, बचा कितना, 10 लाख। अब 10 लाख के अंदर भी आप लगा लीजिए आपका स्लिपेज भी निकलेगा, तो मतलब जितना भी रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है इक्विटीज के अंदर 50 नहीं, लगभग सिर्फ और सिर्फ 40% ही मिलने वाला है, बाकी आपका टैक्सेस के अंदर चला जाएगा। क्योंकि असल में ब्रोकरेज तो कुछ नहीं है, ब्रोकरेज तो आप देखेंगे तो कितना है, 40 रुपीज का ब्रोकरेज है, लेकिन जो मेन कट रहा है वो कट रहा है एसटीटी चार्ज। ये एसटीटी चार्ज आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो लेके जाता है। तो अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा क्वांटिटी से कर रहे हैं तो आप कभी भी इसको यूज मत कीजिएगा, आप यूज करिएगा फ्यूचर्स को। फ्यूचर्स के अंदर देखिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, 6000 पे आपने बाय किया, 6000 पे आपने सेल किया और यहाँ पे 125
5 क्वांटिटी करी, तो आपका टोटल चार्जेस कितने रहेंगे 174। तो इसी के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर मैं 2267 में 2267 इंटू 174 करता हूं, तो ये आपका देखिए 3,94,000 का ही ब्रोकरेज, मतलब कि 4 लाख का ब्रोकरेज, वहां पे लगभग 7 लाख के आसपास था, तो यहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए आपके लगभग बच जाते हैं। तो अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा फ्यूचर्स में ट्रेड करिए, इक्विटी में ट्रेड मत कीजिएगा। छोटी क्वांटिटी है तो इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है यहाँ पे। बाकी ब्रोकरेज की बात करें, अगर आप कोई फ्री ब्रोकरेज फर्म यूज करते हैं तो कितना बचाएंगे आप उसके अंदर, 40 × 2267, तो ये आपका लगभग 90,000 रुपीज ही आपका बचेगा। बाकी आप स्लिपेजेस वगैरह निकाल लीजिए, स्लिपेजेस वगैरह तो मोटा मोटा अगर आप फ्यूचर्स भी करके चलते हैं तो आपको जितना रिटर्न्स दिख रहा है उसका 50-60% ही, या मैक्सिमम लगा लीजिए 70% ही आपको इन हैंड बचने वाला है, बाकी आपका ब्रोकरेज एंड स्लिपेजेस के अंदर जाएगा। तो स्ट्रेटजी अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन ब्रोकरेज एंड स्लिपेजेस का ध्यान भी आपको रखना यहाँ पे पड़ेगा, उसके बाद ही स्ट्रेटजी के अंदर आप एंटर कीजिएगा। तभी मैं ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जितनी मेरी मार्केट प्लेस पे स्ट्रेटजीज अभी आ रही हैं वो सारी की सारी ऑप्शंस के ऊपर ही है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपके चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा कम लगते हैं, तो उसके अंदर आपके पास इन हैंड कुछ ना कुछ हमेशा बच जाता है। सो अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो आप इक्विटीज के अंदर जाने के बजाय फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो करेंगे वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।